आज के इस महंगाई के दौर में 1 रुपए में क्या ही आता है, यही सोच है ना आप सबकी। इसी सोच को बदलने के लिए मैं सेक्टर 55 में आ गई हूँ। जी हाँ, यहाँ पर दो संस्था ने मिलकर एक योजना बनाई है जिसके तहत आपको 1 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ये योजना क्या है, किसने शुरू की और इसका कौन कौन लाभ उठा रहा है, आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, जी हाँ, इसी ट्रस्ट ने ये योजना शुरू की है और आप मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं उन्हीं से बात करूंगी और जानूंगी इस योजना के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए, जो खाना है इसके बारे में आपको क्या कहना? खाना बड़ी, हाँ जी, 1 रुपए में संभव था कि आपको भरपेट खाना मिलेगा? हाँ जी, भरपेट मिलेगा। एक आप घर बार देखती हैं, महंगाई किस तरह बढ़ रही है, आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता होगा क्योंकि घर के लोगों को पता होता है। तो आप मुझे बताइए, आपको लगता है 1 रुपए में मुमकिन था? नहीं मैम। तो ये वैरायटी भी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कह रहे हैं बहुत सारी वैरायटी होंगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये वैरायटी में मैं तो चाह रहा हूँ कि हर समय मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस योजना का फ़ायदा कब से उठा रहे हो? ये तो 1 हफ्ते हो गए। आपको क्या कहना है इसके बारे में? जो रहा अच्छा ही कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, 1 रुपए में कहाँ मिलता है? सोचा था इस महंगाई के दौर में 1 रुपए में खाना मिलेगा? नहीं। जानती हूँ आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि ये खाना कैसा है, 1 रुपए का खाना हाइजीनिक है, कैसा होगा टेस्ट में। तो इन सारे सवालों को मैं यहीं रोकते हुए आपको खुद टेस्ट करके बताऊंगी ये खाना कैसा है। वाकई 1 रुपए में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने बाहर भी देखा था, किस तरीके से एक बर्तन में इस खाने को रखा गया था, पूरा हाइजीन है और टेस्ट में कहीं कमी नहीं है। तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं और इस खाने को टेस्ट कर सकते हैं। एक रुपए में हाइजीन वगैरह का कैसे ध्यान रखते हैं? इसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। कभी भी आप हमारे वर्कशॉप में आके चेक कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर, आज मैंने वैरायटी देखी कि छोले चावल हैं, क्या ये रोज एक ही वैरायटी है या कुछ और विकल्प है? नहीं, हम लोग एक दिन कढ़ी चावल देते हैं, एक दिन राजमा चावल देते हैं, एक दिन छोले चावल देते हैं, एक दिन दाल चावल देते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं। सर, मैंने पढ़ा था कि कुछ एडिशनल होगा, नाश्ता होगा, मिठाइयाँ ऐड होंगी, तो वो कब से संभव है? वो अभी बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें हम लोग चाय समोसा जलेबी इस तरह का नाश्ता तैयार कर रहे हैं ताकि 1 से 5 रुपए के बीच में उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखा आपने कि सिर्फ छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल तक नहीं, इसमें और चीज़ों की डेवलपमेंट होगी, और चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा, लोगों को और चीज़ें और विकल्प दिए जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो ट्रस्ट है इसने ये योजना 9 दिन पहले शुरू की है और काफ़ी सारे लोग इससे खुश हैं। जी हाँ, आज महंगाई के टाइम में अगर आपको 1 रुपए का खाना मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं फराह खान, R9 TV।